बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 7 की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले उन्होंने कुछ एमसीक्यूज टाइप जो चीज़ें दी हुई हैं थ्योरेटिकली, लेकिन हम उसको देखते हैं एज एन एमसीक्यूज। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो लैन है यानी लोकल एरिया नेटवर्क चैनल है, सबसे पहले कब जो है वो डिवेलप हुआ था, तो वो था 1960s एंड 1990s। लेकिन उन्होंने कहा था, उन्होंने उनको एग्जैक्ट जो है वो डेट नहीं पता, इसलिए उन्होंने कह दिया कि 1960s एंड 1970s के इन बिटवीन जो है वो बना था, ठीक है। अब आपको ये एमसीक्यूज आए कि लैन जो है वो कम्युनिकेशन चैनल है और ये कब डेवलप हुआ था, तो ये 1960s से 1970s के जो है ड्यूरिंग जो डेवलप हुआ था। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इसकी कुछ, ये पूरे थ्योरी में उन्होंने लैन की जो है वो एडवांटेजेस बताई हैं या उसके यूजेस बताए हैं कि क्या होते हैं, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्या होते हैं। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग और एक रूम में डिफरेंट कनेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं उन सब में एक ही कनेक्शन के, एक ही चैनल के जरिए जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और कम्युनिकेशन की जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने सबसे बेस्ट जो चीज़ बताई है इसके अंदर, वो उन्होंने ये की है कि ये जो है इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। लैंस जो है वो, ये टेक्नोलॉजी जो है वो इनएक्सपेंसिव है और इनकी जो डिमांड है वो जो है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल है, ठीक है। द डिमांड ऑफ लैंस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल नाउन एज लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। अब आपको ये एमसीक्यूज आएगा कि द डिमांड ऑफ लैंस इज रिलेटेड टू डैश डैश है, तो आपने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे जो है वो क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के जो है कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया है। उन्होंने कहा है कि उसके दो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है स्पेशियल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर है और बहुत मजे का है, तो इंटरेस्ट लेकर इसको जो है वो करें। स्पेशल लोकेलिटी में क्या होता है, स्पेशल लोकेलिटी में ये होता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है कंप्यूटर्स में, तो वो ज़्यादातर जो है वो कम्युनिकेशन तो हो रही है, लेकिन वो ज़्यादातर ट्राई करता है कि जो उसके नियर बाय जो कंप्यूटर्स पड़े हैं उनके साथ जो है वो अपना जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश करके उनके साथ भी कम्युनिकेट करें। इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, जो कर रहे हैं कम्युनिकेट उनके अलावा जो उनके नियर पड़े होते हैं, अदर कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड नियर बाय, ठीक है। स्पेशल लोकेलिटी में के जो उनकी लोकेशन के करीब तरीन पड़े होते हैं कंप्यूटर्स, उनके साथ जो है कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। ये स्पेशल लोकेलिटी रेफरेंस हो गया या फिर उसका प्रिंसिपल हो गए, और उसके बाद होती है टेम्परल लोकेलिटी। इसमें यानी टेम्परल लोकेलिटी में ये फ़र्क है और ये बेस्ट है रेदर देन जो है स्पेशल लोकेलिटी में। इसमें ये इसमें तो था ना कि वो अपने नियर बाय कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, लेकिन इसमें ये जो टेम्परल है इसमें वो उन्हीं कंप्यूटर के साथ रिपीटेडली जो है कम्युनिकेशन करता है। देखे, इन दिस पैटर्न कंप्यूटर्स आर लाइकली टू कम्युनिकेट विद द सेम कंप्यूटर्स रिपीटेडली, उन्हीं कंप्यूटर्स के साथ बार बार जो है कम्युनिकेशन करता रहता है। दस लैंस आर इफेक्टिव बिकॉज इन कंप्यूटर्स में यानी टेम्परल लोकेलिटी रेफरेंस में जो लैन होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क वो अफेक्टिव होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसके रेफरेंस से इसमें लैन जो है वो अफेक्टिव होता है। टेम्परल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में गिव इनसाइट इन टू विच कंप्यूटर शुड बी ऑन द लैन। तो इन दोनों में डिफरेंस में बस सिर्फ आपने ये याद रखना है, अगर वो डिफरेंस पूछ ले कि स्पेशल और टेम्परल में क्या है, स्पेशल जो है वो अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई जितनी भी कंप्यूटर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है, और जो टेम्परल है वो जिनके साथ उसकी कम्युनिकेशन जारी होती है उन्हीं के साथ रिपीटेडली कम्युनिकेशन करता रहता है, और इसमें जो लैन है वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है लैंड की टोपोलॉजीज की। लैंड के अंदर तीन टोपोलॉजीज होती हैं, एक स्टार, दूसरी रिंग और तीसरी बस, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है लैंड के अंदर जो तीन टोपोलॉजीज जो है टोपोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं वो थ्री होती हैं, ठीक है, थ्री मोस्ट टोपोलॉजीज। एक होती है स्टार, रिंग और फिर बस। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये एक स्टार की तरह यानी कि सेंटर में एक हब होती है और चारों तरफ जो है उसके हर तरफ उसके जो है वो कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं एक हब के साथ, ठीक है। तो इस तरह ये एक नेटवर्क बनाती है। ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू ए सेंट्रल हब, एक सेंट्रल हब होती है, तमाम कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं, विच इज समटाइम्स कॉल्ड हब, ठीक है, दरमियानी वाली को हब कहते हैं। उन्होंने कहा है
ये जो नेटवर्क है ये फिजिकली नहीं है, दीज नेटवर्क्स आर नॉट फिजिकली लाइक स्टार्स, ठीक है? यानी कि जैसे हम स्टार्स फिजिकली देख रहे हैं कि उनका वो एक मैस रखते हैं जैसे स्काई पे, इस तरह उन्होंने कहा है कि ये वो वाले नहीं है, बट दे आर लॉजिकली लाइक स्टार्स। ये दिखने में उस तरह की, उन स्टार्स की तरह की टोपोलॉजी है, ठीक है? इट मीन्स दैट देयर शेप डज नॉट लुक लाइक अ स्टार, इनकी शेप जो है स्टार के जैसी नहीं है, लेकिन इनका कनेक्शन जो है वो स्टार की तरह दिखता है, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बात की है नेटवर्किंग की। देखिए उन्होंने कहा नेटवर्क इस तरीके से होता है, एक हब होती है, उसके साथ ट्विस्टेड पेयर जो है वायरिंग होती है, यानी कि जो हम वायर यूज करते हैं, एक होती है कोक्सल केबल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड, और यहाँ पे उन्होंने ट्विस्टेड पेयर वायर यूज की हुई है, ठीक है? और ये स्टार के नेटवर्क को शो, आपने सिर्फ स्टार टोपोलॉजी में एक ही जो चीज याद रखनी वो ये कि ये स्टार की तरह होती है जिसके अंदर एक हब होती है और उस हब के साथ सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ये फिजिकली नहीं नजर आती लेकिन इसका काम जो है वो लॉजिकली स्टार्स की तरह का ही होता है, ठीक है? और इसके कनेक्शन जो हैं वो भी लाइक स्टार होते हैं। अब नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी से में हब नहीं होता, देखें इसके अंदर कोई हब नहीं है, सेंट्रल डिवाइस, ठीक है? यानी सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस, सिर्फ एक रिंग की तरह। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, एंड या फिर आप इस तरह कह लें एवरी लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर। देखिए अगर आप इसको पहला कंप्यूटर माने तो ये आगे वाले के साथ कनेक्टेड है, फिर इसको अगर आप माने तो ये आगे वाले, इस तरह आगे आगे वाले के साथ कनेक्टेड होते होते लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ कनेक्ट हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एवरी फर्स्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द लास्ट कंप्यूटर। ये फर्स्ट था और इस तरह घुमाते जाएं तो ये वाला लास्ट कंप्यूटर आ जाता है, तो फर्स्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द लास्ट कंप्यूटर। यहां आप कह दें कि एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, ठीक है? अगर आप इसको पढ़ें इसमें भी उन्होंने यही बताया हुआ, ठीक है? कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन ए क्लोज्ड लूप, ये लूप की फॉर्म में कह लें या एक रिंग जो आप पहनते हैं वो भी सर्कल की फॉर्म में होती है उसी तरीके से, ठीक है? उन्होंने कहा है लाइक स्टार टोपोलॉजी द रिंग नेटवर्क और आर ऑल्सो लॉजिकली रिंग एंड नॉट फिजिकली। उनका लॉजिकली कॉन्सेप्ट उसका जो है वो रिंग की तरह है जैसे हमने स्टार में बताया है, और ये फिजिकली रिंग की तरह नहीं होती। नेक्स्ट उन्होंने बात किया है बस की। बस टोपोलॉजी में ये होता है कि एक वायर आपके पास एज एन सेंट्रल हब या फिर एज एन केबल यूज होती है और सारे कंप्यूटर उसके साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक सीक्वेंस होता है लेकिन ना तो इसमें कोई हब रिंग होती है ना स्टार, इसकी शेप सिर्फ एक ही है कि एक स्ट्रेट वायर है आपके पास, ठीक है? और उसके साथ कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है? ऑल कंप्यूटर्स आर अटैच टू ए सिंगल लॉन्ग केबल एंड एनी कंप्यूटर सेंड डाटा टू एनी अदर कंप्यूटर। उन्होंने कहा है एक सिंगल केबल होती है उसके साथ सारे कंप्यूटर्स अटैच हैं, और इनमें से कोई कंप्यूटर भी उठ के इस वायर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे कंप्यूटर में जो है अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकता है, ठीक है? हमने यही याद रखना है कि एक सिंगल वायर होती है उसके साथ सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं, और कोई भी कंप्यूटर अपना डाटा जो है इस केबल या इस वायर को इस्तेमाल करते हुए दूसरे कंप्यूटर को के साथ जो है वो शेयर कर सकता है। फिर उन्होंने कहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंप्यूटर हैज टू यूज द लाइन एट व्हाट टाइम। अब उन्होंने कहा है कि ये एक सीक्वेंस में कंप्यूटर पड़े हुए हैं ना, तो जो कंप्यूटर के साथ जिस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है या जिसको पहले यूज करना है और कितने टाइम के लिए यूज करना है और किस टाइम में यूज करना है ये जो है डिसाइड करता है नेटवर्क, ठीक है? उसके बाद हमने बात करनी है रीजंस फॉर मल्टीपल टोपोलॉजीज। उन्होंने कहा है कि मल्टीपल टोपोलॉजीज की रीजन क्या है। इन ए रिंग, रिंग में मल्टीपल टोपोलॉजी की क्या खासियत है। इट इज इजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस द अदर कंप्यूटर। उन्होंने कहा है कि रिंग टोपोलॉजी से दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करना बहुत इजी हो जाता है। हाउ एवर इंटायर नेटवर्क इज डिसएबल्ड इफ अ केबल कट अकर्स। देखें उन्होंने कहा है इसमें अगर कनेक्शन, क्योंकि अगले अगले कंप्यूटर के साथ होता है ना, इनमें अगर उनका एक भी तार जो है या एक भी वायर जो है वो लॉस हो गई तो समझे सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन आपस में खत्म हो गया। तो बस आपने ये याद रखना है इसमें अगर एक भी रिंग में से जो वायर है वो लॉस हो गई तो समझे सबके साथ जो है वो इसका कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया, ठीक है? उसके बाद ये देखिए उन्होंने कहा डिसेबल इफ अ केबल कट अकर्स, ठीक है? एंटायर नेटवर्क जो है वो डिसेबल हो जाता है। स्टार में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड ओनली वंस कंप्यूटर इज अफेक्टेड व्हेन अ केबल
कट अकर्स, उन्होंने कहा है स्टार में ये होता है कि अगर आपका, देखिए उसमें हब होती है जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, अगर एक कंप्यूटर की जो कनेक्शन लॉस हो जाता है या तार कट जाती है वायर, तो दूसरे कंप्यूटर पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंट्रल हब होती है जिसकी वजह से जो उनका कनेक्शन है वो एज इट इज़ बरकरार रहता है। बस टोपोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी जो है वही काम होगा जो रिंग में होता है, क्योंकि एक केबल इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। द नेटवर्क नीड्स फेवर राइट वायर्स देन अ स्टार, हाउ अवर इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल वेन अ केबल कट अकर्स। उन्हें कहा है कि इस केबल के कट जाने से जो पूरा नेटवर्क है वो सारा डिसेबल हो जाता है। ये थी इनकी रीजंस। आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि बस नेटवर्क के हिसाब से, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया इथरनेट। इथरनेट उन्होंने कहा है जो लैंड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में। अब आपको ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो इथरनेट है वो वाइडली किस में यूज़ होता है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैंड में इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी में। दूसरा उन्होंने कहा है कि ये कब इन्वेंटेड हुआ, तो ये EXROX, यानी ये देखें, इसको छोड़ेंगे, देखें पालो आल्टो रिसर्च सेंटर इन 1970, ठीक है। PARC का स्टैंड उन्होंने क्या बताया, पहले तो आपने ये MCQs में याद रखना है, पालो आल्टो रिसर्च सेंटर, और ये कब इन्वेंट हुआ इथरनेट, 1970s में, ठीक है। उसके बाद लैन का हमने पढ़ा था कि 1960s से 1970 की रेंज में, यानी इन बिटवीन हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बताया कि 1970s में इथरनेट जो था वो हुआ था पालो आल्टो रिसर्च सेंटर में। उसके बाद उन्होंने कुछ ये जो हैं स्टैंडर्ड जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अगर आपको आ जाए DIX स्टैंडर्ड क्या होते हैं, या वो ये पूरी डेफिनेशन लिख देगा, आगे लिखेगा इस कार डैश डैश डैश, तो आपने इसको लिखना है कि ये DIX स्टैंडर्ड कहलाता है। एरोक्स, ठीक है, EXROX इंटेल एंड डिजिटल डिफाइंड इट इज एन स्टैंडर्ड। यहाँ आपको वो ये तीनों चीजें देके पूछेगा कि ये क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये तीनों स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है जो स्टैंडर्ड है उन सबको, यानी EXROX को, इंटेल को और डिजिटल को, सबको किसने जो है वो मैनेज कर लिया है, सिर्फ एक ही ने, एक ही टेक्नोलॉजी ने, IEEE ने, ठीक है। इन विच 802.3 स्टैंडर्ड जो हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, उनका फॉर्मेट बताया जाता है, उनके वोल्टेज और उनकी लेंथ जो है सब शामिल होता है, ठीक है। जितने भी पहले स्टैंडर्ड हम यूज करते थे अपने नेटवर्किंग के लिए, उन सब की जगह इसने ले ली है। और इसके अंदर अब हमने इसकी रेंज याद रखनी है, इसके अंदर कितने स्टैंडर्ड होते हैं, 802.3, यानी 802.3 स्टैंडर्ड होते हैं। और IEEE का डिफाइन जो फॉर्मेट है वो करती है डिफाइन फॉर्मेट को भी, वोल्टेज को भी, और केबल की लेंथ को भी, ठीक है। उन्होंने अब इथर, ये तो उन्होंने कहा था कि ये सब उसने मैनेज कर लिया, अब उन्होंने बात किया है कि इथरनेट जो है वो किस चीज में इस्तेमाल होती है। ईथरनेट यूजेस बस टोपोलॉजी, ठीक है, वो बस टोपोलॉजी को यूज करती है, यानी कि कुछ बिट्स ऑफ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। बस का आपने यही याद रखना है, जैसे नॉर्मल बसेस होती हैं कि पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इसी तरह बस का काम है कि कुछ बिट्स ऑफ डाटा यानी बाइट ऑफ डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर। इट यूजेज अ सिंगल कॉक्सल। ईथरनेट में केबल यानी वायर कौन सी यूज करते हैं, कॉक्सल केबल, ठीक है। यूज किस में होती है, बस टोपोलॉजी में। और ये कॉक्सल केबल क्यों इस्तेमाल करते हैं या बस टोपोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि मल्टीपल कंप्यूटर जो है इसके साथ कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। फिर उन्होंने कहा है कि सेगमेंट किसको कहते हैं, अब आपको अगर कोई पूछ ले कि सेगमेंट क्या है, वन इथरनेट केबल इज समटाइम्स कॉल्ड अ सेगमेंट। अब अगर एक केबल इथरनेट की जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसको सेगमेंट भी कह सकते हैं। दिस सेगमेंट इज लिमिटेड टू 500 मीटर्स इन लेंथ। अब एक सेगमेंट जो है इथरनेट के अंदर, या एक इथरनेट केबल जो है 500 मीटर की लेंथ की होती है, ये भी MCQs में आपने याद रखना है। एक इथरनेट केबल या एक सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो 500 मीटर्स होती है। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कनेक्शन इज 3 मीटर। उन्होंने कहा है कि दो इथरनेट के दरमियान कम से कम जो कनेक्शन होगा वो 3 मीटर्स का होगा, ठीक है। कम से कम जो सेपरेशन होगी कनेक्शन में वो कितनी होगी, 3 मीटर की। अब इथरनेट की स्पीड के हवाले से बात की जाए, तो उन्होंने कहा है स्पीड जो है 3 MB/s होती है। अब ये भी आपने MCQ याद रखना है, इथरनेट की स्पीड 3 MB/s होती है।
उसका करंट स्टैंडर्ड जो है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड जो यूज़ हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा फास्ट ऑपरेट है वो 100 मेगाबाइट्स है। ठीक है, अब आपने याद रखना है। फिर उन्होंने कहा है कि गीगाबाइट्स जो है, मेगाबाइट की बात कर रहे थे ना, इनके अलावा उन्होंने कहा है कि इथरनेट जो है गीगाबाइट्स में भी मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इथरनेट को याद कैसे करना है। इथरनेट में आपने सबसे पहले, अगर वो इसके बारे में कहते हैं कि कुछ लिखें या इंट्रोड्यूस इथरनेट टेक्नोलॉजी कहते हैं, तो आपने सबसे पहले बस यही बताना है कि ये PARC 1970 में जो है वो डेवलप हुआ। उसके बाद आपने ये कहना है कि जितने भी, इसके बाद आपने कहना है कि ये बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। फिर आपने कहना है इसके अंदर कोएक्सल केबल इस्तेमाल होती है। ये केबल इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए। फिर आपने कहना है कि समटाइम्स जो है इथरनेट केबल को हम सेगमेंट भी कहते हैं, और सेगमेंट की जो रेंज होती है 500 मीटर्स लेंथ होती है, और सिंगल जो अगर सेपरेशन की बात की जाए तो वो कनेक्शन की बात की जाए तो 3 मीटर का होता है। इथरनेट की स्पीड के हवाले से बात की जाए तो वो ओरिजिनली उसकी स्पीड जो होती है 3 मेगाबाइट्स पर सेकेंड होती है, लेकिन आजकल जो यूज़ हो रही है वो 10 मेगाबाइट्स, यानी करंट स्टैंडर्ड जो है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है। लेकिन जो ज़्यादा फास्ट इथरनेट यूज़ किया जाता है, ऑपरेट्स किया जाता है, वो 100 मेगाबाइट्स है। फिर आपने कहना है कि 100 मेगाबाइट्स की जगह आजकल गीगाबाइट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यानी कि आप इसके पॉइंट्स बना लें एक पेज पे, इस तरीके से याद कर लें, उसको थेरेटिकली लिख लें अपनी वर्डिंग में। आगे इनकोडिंग की बात की है कि इथरनेट की इनकोडिंग में क्या होता है। उन्होंने कहा है मानचेस्टर इनकोडिंग कहते हैं इसको, द इनकोडिंग यूज इन इथरनेट इज मानचेस्टर चेस्टर इनकोडिंग। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है MCQs में। उसके बाद है ये एक सिंगल जो है सिग्नल, सॉरी, इट यूजेस सिग्नल चेंजेस टू इनकोड डाटा। उन्होंने कहा है कि ये सिग्नल्स इस्तेमाल करती है डाटा को कोड करने के लिए और ये चेंज करती है पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो इन कोड्स में। ठीक है, अ चेंज फ्रॉम पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो इन कोड्स। अब इन कोडिंग में सबसे पहले क्या होता है कि ये मानचेस्टर इन कोडिंग इस्तेमाल करती है, दूसरा ये सिग्नल्स को यूज़ करती है डाटा को इनकोड करवाने के लिए, और जो डाटा इसके अंदर इनकोड होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज से जीरो तक होता है। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज टू जीरो। अब जो है ये सारे पॉजिटिव वोल्टेज ही उन्होंने यूज़ किए, यानी कि इनमें नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं ना आ रही। हमारा लेक्चर जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।